देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18 जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं, नदियां उफान पर हैं, लोग काफी परेशान हैं, बहुत लोगों की जान जा चुकी है और बहुत लोग घर से पलायन होने को मजबूर हैं। रिपोर्ट देखिए। स्कूल डूब गया, मंदिर डूब गया, घर बार खेत खलियान सब पानी पानी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सैलाब का सितम है। पहले मूसलाधार बारिश ने मारा, फिर नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी की लहर कहर बरपा रही है। बाढ़ से बाराबंकी जिले के 100 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालात बेकाबू में न हो, इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद का निर्देश दिया। यूपी के गोंडा का हाल भी बुरा है, यहां सब कुछ पानी में डूबा डूबा नजर आ रहा है। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। गोंडा में बर्बादी के इस सैलाब के पीछे है घाघरा नदी। घाघरा यहाँ रिकॉर्ड 128 सेंटीमीटर के ऊपर बह रही है। इससे गोंडा सदर, तरबगंज और करनैलगंज तहसीलों के 112 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के पानी में डूबते बच्चे को बचाने का ये वीडियो बलरामपुर जिले का है। गनीमत रही कि पुलिस कर्मी ने तुरंत जान पर खेलकर बच्चे को बचा लिया। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ के पानी में फंसी जनता की ये कहानी है, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बलरामपुर माना जा रहा है। यूपी के तराई इलाके में आने वाला जिला, जहां राहत की आस में छतों पर खड़े लोग इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे पर खड़े लोग देख रहे हैं कि कब घटेगा मुश्किलों का ये सैलाब। जनता की परेशानियों को सरकार भी समझ रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने बाढ़ में डूबे जिलों, गांवों, लोगों की पीड़ा को समझने का पहले हवाई दौरा किया, फिर जमीन पर आकर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटनी शुरू की। बलरामपुर के राहत शिविर की ये तस्वीर देखिए। सीएम योगी एक बच्चे को दुलारते दिख रहे हैं। सीएम योगी ने भरोसा दिया है कि जनता को सूखे के बाद बाढ़ की दोहरी मार से राहत दी जाएगी। 280 से अधिक गांव बलरामपुर जनपद के प्रभावित हैं। अभी उतरौला और बलरामपुर सदर के इन गांवों का निरीक्षण करते हुए फिर श्रावस्ती की ओर जाऊंगा। इन सभी गांवों में तत्काल राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो, पर्याप्त संख्या में यहां पर पीड़ित परिवारों को राहत पैकेट वितरित हों। उत्तर प्रदेश के 18 जिले अक्टूबर की बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के 1400 गांवों की 12 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है।